जय हिंद शिक्षक साथियों, वेलकम टू शिक्षक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2023 प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला जो हमारा पार्ट होता है, भाग होता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होता है, यानी CDP का होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो दोस्तों, इसके लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दिशा पब्लिकेशन की। हमने कई पब्लिकेशन को जांच पड़ताल के बाद जो आपके लिए सबसे अच्छी बुक है वही हमने इसमें दिया है, ठीक है। तो आप CDP के लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एक बुक आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र की, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए दिशा पब्लिकेशन या तो आप ले लीजिए या तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक ले लीजिए। दोस्तों, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा आपका दिशा पब्लिकेशन। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी के लिए जैसा कि दोस्तों हर सब्जेक्ट में, हर पार्ट में 15 अंक का पेडागोजी होता है आपका, और 15 अंक का जो होता है आपका डायरेक्ट जो है क्वेश्चन सब्जेक्ट से लेता है। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो दोस्तों MC ग्रा हिल एक पब्लिकेशन है, उसकी किताब जो है बेस्ट है सीटेट के लिए। हिंदी सीटेट के लिए MC ग्रा हिल की बुक जो है बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई और पब्लिकेशन का, तो देख लीजिए यहाँ पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, वो भी हिंदी के लिए बेस्ट है, ठीक है। यानी हिंदी में आप MC ग्रा हिल ले सकते हैं या अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा बस। आगे है दोस्तों संस्कृत के लिए। संस्कृत के लिए दोस्तों सबसे अच्छी पुस्तक सर्वज्ञ भूषण की संस्कृत गंगा की दोस्तों विजयी भाव एक पुस्तक है, वो दोस्तों बेस्ट है संस्कृत के लिए। संस्कृत के लिए जो है विजयी भाव संस्कृत गंगा की पुस्तक है, वो बेस्ट है, उसको आप ले लीजिए। चीज़ें जो है उसमें अच्छी तरह से समझाई गई हैं। आगे है दोस्तों देखिए गणित यानी मैथ्स के लिए। दोस्तों देखिए, अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो मैथ्स के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे NCERT लेना है, ठीक है। NCERT 3rd to 6th यानी 3 से 6 कक्षा तक दोस्तों आप जो है NCERT ले लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों हम कई पब्लिकेशन में देखे हैं चीज़ें उतनी अच्छी तरह से समझाई नहीं गई हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपको एक समझ मिलती है और आप सीटेट जो है आसानी से क्रैक कर पाएंगे। यानी मैथ्स के लिए आपको गणित के लिए NCERT 3 से 6 क्लास की बुक लेना है, 3 से 6 कक्षा की बुक लेना है। आगे है दोस्तों पर्यावरण की अगर हम बात करें EVS की, तो दोस्तों देखिए जो CBSE होता है वो हमेशा अपने पैटर्न को ही फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप पर्यावरण के लिए 3 से 5 कक्षा की जो NCERT की बुक है दोस्तों, उसको आप जरूर एक बार पढ़िए, ठीक है। पर्यावरण के लिए NCERT की बुक है 3 से 5 तक क्लास तक दोस्तों, उसको आप लीजिए, उसको आप पढ़िए। और दोस्तों EBS में इन्हीं बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी उठा लेता है बोर्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे EBS के लिए 3rd to 5th NCERT की बुक लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए Level 2 यानी उच्च प्राथमिक के लिए अगर हम बुक्स की बात करें, सामाजिक अध्ययन यानी SFT के लिए आपको NCERT की बुक लेना है 6 से 8 तक। अगर हम Paper 2 की बात करें सामाजिक अध्ययन यानी SFT के लिए, तो आपको NCERT की बुक लेना है 6 से 8 कक्षा तक, ठीक है। आगे दोस्तों अगर हम साइंस और मैथ की बात करें, साइंस और मैथ की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे NCERT 6 to 8 तक लेना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो NCERT की बुक्स हैं, ठीक है, सीटेट के लिए वो मस्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी ऐसे वैसे पब्लिकेशन से कुछ होना है नहीं। अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो आप निश्चय ही आप इसको क्रैक कर पाएंगे सीटेट जुलाई 2023 को। और दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर की, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यूथ पब्लिकेशन की बुक दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास है, ये है दोस्तों देखिए यूथ पब्लिकेशन की है
तो दोस्तों आप इसका जो है न्यू एडिशन ले सकते हैं। इसमें जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए थे पिछली बार के सबको इसमें दिया गया है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में आपको केवल और केवल यही पुस्तक लेनी है। दोस्तों ये जो है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको अगर आप लेते हैं तो चीज़ें जो हैं बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है इस पुस्तक में चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से समझाया गया है, एक्सप्लेनेशन इसका बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो आप इसको अवश्य लीजिएगा, इसको हल करिएगा, बाकी ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और दोस्तों एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो आपको पढ़ने से ज़्यादा रटने से ज़्यादा चीज़ों को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जो सीटेट होता है पूरा माइंड गेम है। 15 अंक जो होता है आपका वो माइंड गेम पर ही निर्भर होता है, आपको दिमाग लगाना है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आप अच्छी तरह से उसको क्रैक कर पाएंगे, उसको हल कर पाएंगे, ठीक है। और कभी भी क्वेश्चन में अगर ये देख बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसमें किसकी गलती है या उसका दोषारोपण किसको किया जा रहा है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, सारा जो दोष होता है वो आपकी टीचिंग स्किल पर ही आएगा, ठीक है। यानी आपकी टीचिंग स्किल में ही कमी है, तभी बच्चा नहीं सीख पा रहा है। कभी भी किसी चीज़ के लिए बच्चे को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। एज ए टीचर आपको क्या क्या चीज़ें समझनी होती हैं, एक सुविधा प्रदाता के रूप में, एक परामर्शदाता के रूप में, एक वातावरण निर्माणकर्ता के रूप में, ताकि ऐसी परिस्थिति बनाई जा सके जिसमें बच्चा आसानी से सीख पाए, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।